हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। ये मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है, ये मेरी फोटो लगी हुई है जो मैंने रेलवे में ज्वाइनिंग करते समय भरा था। तो इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कितने पेज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। एक एक बात आपको समझ में आएगी, ध्यान से वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्या क्या भरना होता है, क्या क्या डिटेल भरनी होती है। तो जैसे ही ये अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास आएगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फोटो लगाओगे और यहाँ पर वार्निंग लिखा है। ये शुरू के दो इंस्ट्रक्शन है। दो इंस्ट्रक्शन में क्या है कि अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी अपने कैरेक्टर के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो आपकी उम्मीदवारी का जो है, आपकी जो जॉब है वो रद्द कर दी जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। या फिर आपके को कभी दोषी ठहराया गया, आपके पास कोई आपका कोई केस है ना, या फिर आपको कभी सजा हुई, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको एक पेज में टिक करनी होती है कि आपको कभी अरेस्ट किया गया है, आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, उसमें यस और नो पर टिक करना होता है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद ये जो नीचे के कॉलम है जो कि भरे हुए हैं, इसमें मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप अपना सरनेम भरेंगे, नेम भरेंगे, ध्यान से सुनना। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा, प्रेजेंट एड्रेस के बाद आएगा आपका होम एड्रेस। अगर प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी का डिफरेंट है तो डिफरेंट भर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि वो एड्रेस जरूर देना जहां पर रेलवे आपसे कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें लिखा है कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर किसी दूसरी एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उसमें नो कर दीजिएगा। उसमें आपका, उसके बाद आधार कार्ड नंबर, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, फिर आपकी नेशनलिटी, आप इंडियन हैं, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्रेजेंट एज कितनी है आपकी, फिर एज एट मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं के टाइम पर आपकी एज कितनी थी, जैसे मैं 15 साल का था तो वो भर देना। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, जिला, कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, आपका जिला क्या है, स्टेट क्या है, वो भर देना। उसके बाद सेकेंड पेज पर आके, ठीक है, आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, है ना, जो भी हैं। उसके बाद ये सब भर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक कॉलम है जिसमें आपको एक में खुद का नाम है ना, उसके बाद एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर स्पाउस नेम अगर आपकी शादी हो गई है, दूसरे वाले पेज में, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन देनी है, है ना, फॉरेन कंट्री से या कहीं और से। अगर नहीं है तो उसमें आपको सिंपली एन ए कर देना है। यहाँ पर लिखा है एन ए नॉट एप्लीकेबल, ये पूरे कॉलम खाली है। नेक्स्ट में आपको फिर अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, 10th, ठीक, 10th के बाद आप दोगे, 10th देने के बाद आप दोगे 12th, ग्रेजुएशन जो भी है आपका, ठीक है। फिर इस सेकंड वाले पेज में ये जो है, यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है कि आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है। जैसे मैं पढ़ के बता दूँ, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, मतलब आपको कभी आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं हुआ, अरेस्ट तो नहीं किए गए, तो उसमें यस और नो का ऑप्शन है, तो सिंपली आप इसमें नो कर देंगे, यस और नो में से नो कर देंगे। अगर आपको दिख रहा है तो यस और नो का कॉलम है, तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। इसके बाद दो आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो आपके बारे में जानते हैं, उनका आधार कार्ड की फोटोकॉपी और उनका नेम, ठीक है। जैसे मैंने दो लोगों का यहाँ पर नेम भरा है। इसके बाद लास्ट पेज में आपका डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपका नाम और साइन और बर्थ प्लेस वगैरह, ठीक है, कि मैंने ये जो डिटेल दी है वो सही है। नेक्स्ट पेज अगर हम बात करें तो ये मेरे पास है, मेरे पास सहमति पत्र। इसमें लिखा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, अगर मैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी देता हूँ तो मेरी जो, मतलब मुझे जो रेलवे में लिया गया है वो मुझे बाहर कर दिया जाए। नीचे आपका साइन, पता, नाम, मोबाइल नंबर, ये भरना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊँ तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसमें दो जगह आपको मोहर और साइन दिख रहे होंगे। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं आपको पढ़ के बता दूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, लास्ट कॉलेज में जहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया है, ITI की है, इंजीनियरिंग की है, वहाँ से आपका मतलब उनकी आपकी डिटेल भरेंगे, नीचे उनके सिग्नेचर, उनका डेजिग्नेशन पद क्या है और डेट भरी जाएगी। उसके नीचे टू बी अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नीचे लास्ट अटेंडेड कॉलेज के नीचे SDM सर के साइन होंगे, दो जगह सील आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दो गैजेटेड ऑफिसर से, दो गैजेटेड ऑफिसर की फिर से सील और साइन होनी है। वो कोई भी दो हो सकते हैं, वो कॉलेज के लेक्चरर हों, स्कूल के लेक्चरर हों, गवर्नमेंट डॉक्टर हों, ठीक है, या फिर किसी भी सरकारी शासकीय सेवा में हो जो कि राजपत्रित अधिकारी हों, तो दो जगह उसमें भरना है, ठीक है, दो जगह और साइन होने हैं। इसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूँ तो लास्ट हमारा है ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म। पुलिस वेरिफिकेशन में यहाँ पर थाना प्रभारी की सील लगी हुई है, ठीक है, थाना प्रभारी आपको सील लगाएंगे। जब आप ये पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देंगे ना, तो वो आपका चेक करेंगे कि आपके जिले में, तहसील में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, फिर वो आपका साइन करके दे देंगे। तो चार जगह साइन होने हैं,
दो जगह राजपत्रित अधिकारी के, एक जगह आपके लास्ट अटेंडेंट कॉलेज के, एक जगह एसडीएम के, तो चार हो गए, और एक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन से पुलिस थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और सबसे स्टार्टिंग में आपकी ये देखिए फोटो लगी है, और आपका जो भी रिकॉर्ड है सही सही जानकारी भरिए, क्योंकि आपकी जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक आपकी नौकरी प्रोविजनल मानी जाएगी, परमानेंट नहीं होगी। तो जैसे आप ये कागज वागज जमा करेंगे तो वो आपके संबंधित थाने में, आपके कॉलेज में आपकी डिटेल भेजता है, और रेलवे सारी चीज़ें चेक करवाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है। जो कॉलम भी आपसे भरते ना बने खाली छोड़ देना, ये चार पांच पन्नों का है जो कि ज्वाइनिंग के समय आता है, यहाँ पर आप फोटो लगा देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर अभी भी कोई भी डाउट है, ठीक है, यहाँ से तो फॉर्म आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने बस समझाने की पूरी कोशिश की है, तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।